नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं आईपीएल अपडेट्स लेकर। गुजरात टाइटंस ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए और राजस्थान के सामने 193 रन का लक्ष्य रखा। पहली बार आईपीएल में उतरी गुजरात टीम का यह अब तक का सर्वोच्च स्कोर है, जिसका पीछा करते हुए जॉस बटलर ने तूफानी पारी खेली। जॉस बटलर ने 24 गेंद में 225 के स्ट्राइक रेट से महत्वपूर्ण 54 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। राजस्थान की हार के लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो खुद संजू सैमसंग होंगे। संजू सैमसंग एक तो खुद नहीं चले, ऊपर से उन्होंने मैच में कई गलतियां भी की। राजस्थान का पहले विकेट गिरते ही संजू सैमसंग ने अश्विन को बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया और वो महज 8 रन पर पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन के इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। जॉस बटलर के आउट होने के बाद राजस्थान को संजू सैमसन से आक्रामक पारी की दरकार थी, लेकिन उन्होंने एक फ्लॉप शो दिखाया और 11 रन में बनाकर पवेलियन लौट गए। पांड्या ने खेली आक्रामक पारी। हार्दिक पांड्या ने राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। हार्दिक पांड्या ने 52 गेंद में नाबाद 87 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। हार्दिक पांड्या को अभिनव मनोहर और डेविड मिलर का भी अच्छा साथ मिला। इस मैच में मैथ्यू वेट सस्ते में आउट हो गए। विजय शंकर और शुभमन गिल भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। अब बात करेंगे आज के मुकाबले की। जीत की लय में वापसी करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होने वाला है। टूर्नामेंट में धीमी शुरुआत के साथ हैदराबाद ने चेन्नई और गुजरात के खिलाफ लगातार जीत हासिल की और अब केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। हालांकि टीम के अन्य खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर इस मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि गुजरात के खिलाफ फील्डिंग करते हुए उन्हें चोट लग गई थी। वाशिंगटन सुंदर टीम में दोहरी भूमिकाएं निभाते हैं। वह अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और फिर बल्ले से कमाल दिखाते हैं और बड़े बड़े शॉट खेलने में भी सक्षम है। उन्होंने अभी तक इस सत्र में 4 विकेट झटके हैं और एक अर्धशतकीय पारी भी खेली है, लेकिन कोच टॉम मूडी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कम से कम 2 मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वाशिंगटन सुंदर की जगह अंतिम एकादश में किसे शामिल किया जाता है। अब बात कोलकाता की कर लेते हैं। तो कोलकाता पिछला मुकाबला दिल्ली के हाथों गवा बैठी थी, लेकिन टीम काफी मजबूत है और वह पिछले मैच की हार से वापसी करना चाहेगी। कोलकाता 5 मैचों में 6 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। श्रेयस अय्यर की कंपनी वाली कोलकाता दिल्ली के डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ वाली मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने टिक नहीं पाई थी, जिससे आगे उनका मुकाबला गेंदबाजी आक्रमण भी कमजोर दिखाई दिया था। ऐसे में अब जो हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है कोलकाता का, उसमें अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर का चलना काफी जरूरी है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की जो फॉर्म है वो कोलकाता के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और वेंकटेश अय्यर भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। अभी तक 5 पारियों में वेंकटेश अय्यर ने महज 1 अर्धशतक लगाया है। उमेश यादव और पैट कमिंग्स की बात की जाए तो कोलकाता की टीम इनके दम पर काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन दिल्ली के खिलाफ दोनों का दिन काफी खराब रहा था। इस सत्र में पहली बार उमेश यादव को 1 विकेट के लिए 48 रन गंवाने पड़े थे और पैट कमिंग्स ने तो 4 ओवर में 51 रन लुटा दिए थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 खिताब जीत चुकी कोलकाता को नीतीश राणा, आंद्रे रसल और सैम बिलिंग्स से और अधिक निरंतरता की उम्मीद होगी। कोलकाता का पलड़ा है भारी। कोलकाता और हैदराबाद का 21 दफा आमना सामना हुआ है और इस दौरान कोलकाता का पलड़ा भारी रहा है। कोलकाता ने 21 में से 14 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि हैदराबाद को 7 मैचों से ही संतोष करना पड़ा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आखिरी के 6 मुकाबलों में कोलकाता ने 5 बार जीत हासिल की है, लेकिन मौजूदा जो मुकाबला है वो ब्रिबॉन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर कोलकाता ने अपने 3 मैच गवा दिए हैं, जबकि हैदराबाद ने ब्रिबॉन में सिर्फ 1 मुकाबला गवाया। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबला किसके पक्ष में जाता है, लेकिन इस मुकाबले या कहें कि सत्र का सबसे खास पल यही रहा है, जिसे हम टॉस के रूप में जानते हैं। जिसने टॉस जीता उसने मुकाबला जीता, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, लेकिन 80% मुकाबला तो टॉस जीतने के साथ ही समाप्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए प्रभासाक्षी.com। नमस्कार।